What's up YouTube? This is Fit with Atwal. तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज प्रोटीन और क्या ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए या फिर जो जिम में जाते हैं सिर्फ उनके लिए जरूरी है या फिर हर एक की डेली लाइफ में ये न्यूट्रिएंट होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है ये प्रोटीन। तो क्या है ये प्रोटीन, जब भी हम जिम में जाते हैं या फिर हम डेली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हर एक बंदा जो आपका ट्रेनर है या फिर न्यूट्रिशनिस्ट है वो बोलता है कि आपका न्यूट्रिशन में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होने से फर्क क्या पड़ता है? प्रोटीन बेसिकली आपकी बॉडी का हर एक कंपाउंड, हर एक जो बॉडी पार्ट है उसमें प्रोटीन कंपाउंड जरूरी है और वो है। तो आपको उसी बॉडी पार्ट के लिए, हर एक बॉडी पार्ट को ग्रो करने के लिए या फिर आपके जो डेली चीजें आपको अपनी बॉडी में डालने के लिए, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करने के लिए आपको प्रोटीन लेना जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडियन सर्वे के हिसाब से IMRB जो कि है इंडियन मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो, तो इसके हिसाब से 80% ऑफ इंडियन डाइट में डेफिसिट है प्रोटीन। मतलब 80% से ज्यादा बंदों की जो डेली न्यूट्रिशन है उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि प्रोटीन दालों से मिल जाता है और हमारी जो भी हमारी डेली नीड्स हैं उसके लिए उतना प्रोटीन बहुत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सर्वे में इन्होंने जो IMRP है इन्होंने 1260 बंदों के साथ इन्होंने सर्वे किया था और इन्होंने जिसमें से हाफ नॉन वेजिटेरियन थे और हाफ वेजिटेरियन थे। तो इनकी डेली डाइट उन्होंने देखी थी जो वो यूजुअली खाते हैं पहले से ही जो खा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो 91% ऑफ वेजिटेरियंस की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी और जो लोगों को लगता है कि नॉन वेज खाने से उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, तो उस सर्वे के हिसाब से 85% नॉन वेजिटेरियंस की डाइट में भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपने उनको पता ही नहीं है कि उनको डेली प्रोटीन की नीड कितनी है, उनको यही नहीं पता कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं उनकी डेली जो प्रोटीन वो ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट वो ले रहे हैं, जो भी डाइट वगैरह वो खाते हैं उनमें कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन है और वो डेली नीड वो कैसे पूरा करें। जो ये सर्वे है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। तो बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जरूरी क्यों है हमारी डाइट? क्योंकि प्रोटीन से ही आपके हेयर, नेल्स, ये सारी चीजें आपकी प्रोटीन से ही बनी है। और प्रोटीन का मेन काम आपका हॉर्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होते हैं। प्रोटीन का ये भी काम होता है। अगर आपकी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंसी में रहेगी तो ये सारे जो डेली वर्क है, आपको फटीग बहुत ज्यादा होगी, आपको नींद बहुत आएगी अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बता सकूं कि प्रोटीन लेना आपकी डाइट में कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि आपकी बोन, जो आपकी मसल्स हैं, इन सब में भी प्रोटीन होना, प्रोटीन अगर आपकी बॉडी प्रोटीन ही नहीं होगी आपकी बॉडी में तो फिर ये भी चीजें आपकी वीक होती जाएंगी और धीरे धीरे आप में जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। तो जब इतने सारे यूजेस हैं प्रोटीन के तो वाई नॉट हम प्रोटीन को ज्यादा प्रेफर करें बाकी सब चीजों से। अब बात करते हैं प्रोटीन होता किन किन चीजों में। अगर नॉन वेजिटेरियंस के लिए बात करें तो चिकन, मीट, एग्स, इन सब चीजों में होता है। और अगर वेजिटेरियंस के लिए बात करें तो टोफू, पनीर, सोया और मिल्क, इन सब चीजों में होता है। तो जब हम ये सब चीजें खा ही रहे हैं तो फिर भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो हम होती है आपके जो आपका वेट होता है इनटू 0.8 ग्राम, अगर आप उससे इनटू करेंगे, जैसे कि मेरा वेट है अगर 78 तो उसको अगर मैं 0.8 से इनटू करता हूँ तो जितना नंबर आता है तो उतना ग्राम प्रोटीन मेरी बॉडी में जो डेली नीड है उतना होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिम कर रहे हैं तो सिर्फ तभी आपको प्रोटीन लेना चाहिए, जो वे प्रोटीन, जो बहुत लोगों इंडिया में तो बहुत ज्यादा मिथ है कि आप प्रोटीन के डब्बे खा के बॉडी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब डेली नीड होती है। अगर आप डाइट भी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रोटीन मिलना जरूरी है। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कैसे रहेगी? तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का, जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो जब भी हमारी बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है तो वो जब
वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो एमिनो एसिड्स छोड़ देती है. एमिनो एसिड्स किसके लिए होते हैं? एमिनो एसिड्स तीन तरह के होते हैं, कंडीशनल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं लेकिन हमारी बॉडी इंटरनली वो चीज नहीं बनाती है, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है. और कंडीशनल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें बॉडी को देने चाहिए. और तो इन तीनों अमीनो एसिड्स की जरूरत हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा होती है. जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो एक तभी बनते हैं जब हमारा प्रोटीन अब्सॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, और वो जो लीव करता है हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि हमें वो बाहर सप्लीमेंट से ले सकते हैं लेकिन हमारी डाइट भी वो प्रोवाइड करती है. एग्स में बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं. तो हम टॉपिक से हटते नहीं है, हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में. तो प्रोटीन आपको, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन हर एक की डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने आपको बताया कि प्रोटीन असल में क्या है और क्यों होना जरूरी है, क्या उसकी नीड्स हैं. अब बात करते हैं हमारे वीडियो के टाइटल के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको प्रोटीन, ये मत सोचो कि आप बॉडी बनाओगे या प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी बन जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. मेहनत करने से बॉडी बनती है. ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन का डब्बा ले लो और आपको लगता है कि आप मेहनत नहीं करोगे और आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रोटीन आपका डेली डाइट में होना ही चाहिए चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं. अब बात करते हैं कि आपको कितना प्रोटीन लेना जरूरी है, जो आपकी डेली, जो आपके न्यूट्रिएंट्स में उतनी क्वांटिटी एटलीस्ट होनी चाहिए. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका एक फॉर्मूला है. अगर आपका जो आपका वेट है, बॉडी वेट, उसको 0.8 से इंटू करेंगे तो जितना बनता है वो उतना ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में होना जरूरी है. अब सपोज करते हैं कि जैसे मेरा वेट है 78, तो अगर मैं उसको 0.8 से इंटू करूँ तो 62.5 के करीब या फिर 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेरे को डेली नीड है, जिससे कि मेरी बॉडी फटीग में ना आए. मैं डेली के जो वर्क है मेरा, ऑफिस जाना या कॉलेज जाना, जो भी काम है मेरा, वो मैं इजीली कर पाऊँ बिना थके. तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको 1.8 से इंटू करना है, उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको होना चाहिए. और जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप इसी हिसाब से अपना प्रोटीन कंटेंट नोट करें. और गूगल, आजकल तो गूगल पे आप किसी भी फूड प्रोडक्ट का प्रोटीन कंटेंट जान सकते हैं. सीधा उसका प्रोडक्ट का नाम लिखिए और आगे लिखिए उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, तो गूगल आपको बता देगा उसमें कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है वगैरह वगैरह. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रोटीन ही लेते रहें और आप बिल्कुल वर्क ही ना करें, तो इससे भी आपको हार्म होता है, क्योंकि आपके कोई भी चीज एक्सेस में करेंगे तो उससे आपको हार्म ही होगा. तो ये फॉर्मूला याद रखें. और अगर आप ये डेली नीड जो प्रोटीन की है वो आप कंज्यूम करते रहेंगे, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. जैसे आपको फटीग कम होगी, आपका हेयर जो है वो अच्छे रहेंगे, नेल्स अच्छे रहेंगे, आपके बॉडी में एक एनर्जी रहेगी, आप ज्यादा जल्दी थकेंगे नहीं. बहुत सारे प्रोटीन लेने के फायदे हैं, तो व्हाई नॉट हम उतना कंज्यूम करें और अपनी जो डेली न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको चेक करें और अपनी बॉडी को फिट रखें. तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वो बेल आइकन जरूर हिट कर देना, जिससे कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो तब तक के लिए बाय बाय.